वेलकम टू नेहा सियोनी किचन। आज हम बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को, हस्बैंड को। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सबसे पहला हमने 1 कप रवा लिया है। रवा आप बारीक वाला यूज़ कीजिए। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही, 1/2 कप वाटर। वाटर डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए हम साइड में रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी बना के रख सकते हैं। आप इसे ओवरनाइट बना रहे हो तो इसमें बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसमें हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने एग्जैक्ट 15 मिनट्स के लिए रखा था। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है हमारा रवा, बट ये अभी काफ़ी थिक है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1/4 कप। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसे हम और हेल्दी बनाएंगे। इसमें हम वेजिटेबल्स का तड़का लगाएंगे। ये कंसिस्टेंसी भी बहुत थिक है। इसमें आप अपनी मनपसंद की वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कैरेट का यूज़ किया है। आप शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून राई ले लेंगे। फिर इसमें हम 4 से 5 कड़ी पत्ते के पीसेस को इस तरह से हाथ से तोड़ के डालेंगे ताकि इसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस आए। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे ऑनियन। ये मैंने 1 मीडियम साइज ऑनियन चॉप लिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा ऑनियन सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज। इसे भी हम फाइनली चॉप कर देंगे। अपनी पसंद की वेजिटेबल डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ऑनियन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से चॉप कीजिए। बस हमारा ये सॉफ्ट हो जाए। फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ऑथेंटिक खुशबू आती है। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बच्चों के लिए हम ग्रीन चिली कम ऐड करेंगे। इसका हम सैंडविच भी बनाएंगे, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगी। ये हम बनाने लगे हैं कोकोनट की चटनी। 1 कप कोकोनट क्रश लिया है, 1/2 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, ग्रीन चिली और 1 पीस ऑफ गार्लिक। इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर देंगे। फिर इसमें हम 1/2 लेमन जूस डालेंगे और सॉल्ट आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और तड़का देखें तो आप इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इसमें हमने 1.5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून राई लिया है। राई अच्छी से क्रैकल होने आ जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते के पीसेस। जब कड़ी पत्ता और राई की स्मेल आ जाए तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर हम हमारी जो चटनी हमने बनाया है उसमें हम ये तड़का डाल देंगे। ये बन गई हमारी कोकोनट की चटनी। आप इस चटनी को डोसे के साथ में, इडली के साथ में या आपे हमने जो बनाया है उसके साथ में भी इसे अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और एकदम चटपटी लगती है। ये देखिए हमारा रवा इतना स्मूथ हो गया है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी थिक है। और ये ठंडा हो गया, इसमें हम डाल देंगे। हम इसी प्रोसेस से सैंडविच भी बनाएंगे। सैंडविच में तो ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम इस तरह का सैंडविच बनाएंगे कि हमें ब्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अंदर की स्टफिंग्स हम पोटैटो की लेंगे या फिर हम पनीर की यूज़ करेंगे। बहुत जल्दी वो क्लिप आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। इसमें हमने डाले हैं सॉल्ट और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, या आप इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद में इसमें पानी ज़रूर डालें। इसमें हमने 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसमें हमने 1/2 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर भी डाला है। देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। ये है इसकी लास्ट कंसिस्टेंसी। घर में हम बना रहे हैं तो थोड़ा हमारा बैटर ठीक रहेगा। जब हम बाहर खाते हैं तो उनका बैटर बहुत पतला होता है।
घर में हम अच्छी तरह से हाइजीन तरीके से बनाते हैं, तो आप सभी घर में ही बनाइए और अच्छे से इसे इंजॉय कीजिए। देखिए, पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालें। ये हम अभी ढक के रख देंगे 5 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे। ये देखिए, हमारा रवा ऊपर से ड्राई हो गया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये बिना ऑयल के भी आप बना सकते हैं, इजीली बन जाता है, लेकिन बिना ऑयल के मज़ा भी नहीं आता है। ये मैंने फ्रंट गैस पे इसे शिफ्ट कर दिया है ताकि मैं इजीली टर्न कर सकूं। ये देखिए कितने अच्छे से मूव हो रहा है और ये कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी सा हो गया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 5 to 7 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे ताकि दोनों साइड अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अंदर से इतना सॉफ्ट होता है और उसका टेस्ट तो बहुत मज़े का होता है। इसे आप ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल चीला भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये मैंने पूरा रेडी कर दिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत हेल्दी है। इसे आप ज़रूर बनाइए। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। कोकोनट चटनी तो बहुत मज़े की बनी थी और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है इसकी फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है, टेस्ट में बहुत ही मज़े का होता है। आप इसे ज़रूर बनाइए। ये देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से, मुंह में पूरा मेल्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि हमने इसमें कौन सी वेजिटेबल डाले। अभी हम जा रहे हैं आइकिया। यहाँ पे बहुत अच्छे किचन अप्लाइंस मिलते हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं और इसकी क्वालिटी तो बहुत मज़े की होती है, तो सोचा मैं आपके साथ में इसकी क्लिप शेयर कर दूँ। मैं खुद भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेट्स गो। आप देख सकते हैं घर का हर एक सामान यहाँ पे अवेलेबल है
और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया।
मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.